औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं FIR के बारे में बताऊंगा। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 154 जबकि पुलिस रूल्स 1934 रूल 24 सब रूल 5 डील करता है। अब जो डेफिनेशन सेक्शन 154 ज़ाब्ता फौजदारी में दी गई है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस द SHO शेल ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड द वर्शन ऑफ कंप्लेनेंट। अब जो लेजिस्लेटर है उसने यहां लफज शेल का इस्तेमाल किया है जो कि मैंडेटरी है। अब जो मुतलका SHO है, जब भी किसी अग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन मुतलका SHO के पास जाएगी तो वो उसे देखेगा। अगर उस पर उसके कंटेंट्स ऑफ FIR के मुताबिक अगर जुर्म कॉग्निजेबल बनता है तो वो उस पर FIR लॉज करेगा। अब जब भी ये नहीं होगा कि कोई भी सिविल लिटिगेशन में FIR दी जाए, इस पे एक वाजिया केस ला PLD 2001 पेज 1611 PLD 2001 पेज है 1611 MLD 2001 पेज 9। इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ने होल्ड फरमाया कि FIR जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होगा उस पर मुतलका SHO FIR लॉज करेगा। अब जब भी कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म होगा तो जो मुतलका SHO है वो ड्यूटी बाउंड है। इस पे एक मशहूर केस ला 2003 PCRLJ पेज 1778। इसी तरह PLJ 2003 CRC कोयटा पेज 1029, ये डबल बेंच का फैसला है। इसमें होल्ड फरमाया गया FIR इज नॉट ए सब्सटांटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड कैन ओनली बी यूज्ड टू क्रेबोरेट। अब जो FIR का बुनियादी मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेबोरेशन करना होती है मुतलका डिफेंस काउंसिल को। इसी तरह एक और मशहूर केस ला PLD 2003 लाहौर पेज 228, इसमें होल्ड फरमाया गया कि SHO बाउंड टू रजिस्टर केस ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसी तरह ही एक और मशहूर केस ला 2021 PLD 1732, इसमें होल्ड फरमाया गया कि मेन पर्पज ऑफ लॉजिंग FIR इज टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन, कि FIR का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि जो मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बताया जाए। इसी तरह ही एक और मशहूर केस ला 2021 MLD पेज 599 कराची, FIR वॉज नॉट ए सब्सटांटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड नाउन एग्जामिनेशन ऑफ इट इज सब्सक्राइबर कुड नॉट बी कंसिडर फॉल्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन। इसी तरह ही जो डिले FIR है उस पे बहुत मशहूर केस ला रिसेंटली जो रिपोर्ट हुए 2022 PCRLJ पेज 146। अब कानून की नजर में जो डिले FIR है उसकी इतनी अहमियत नहीं है। इस पे ऑफेंस था 302-34 PPC और ये 8 दिन की डिले के साथ FIR हुई।
ऑनरेबल कोर्ट्स ने सिर्फ इस ग्राउंड पे बेल ली कि ये डिले एफआईआर है। डिले एफआईआर जो बेसिकली है ये कोर्ट्स के फैसलों के रोशनी में कि ये आफ्टर कंसल्टेशन के बाद दर्ज करवाई जाती है। इसी तरह ही एक और मशहूर केस ला 2022 YLR पेज 144, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। ऑफेंस था 381A and 411 PPC। इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने होल्ड फरमाया कि जो डिले एफआईआर है वो आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन के बाद दर्ज करवाई जाती है, लिहाजा इसकी अहमियत कानून की नजर में इंतहाई कम हो जाती है। उम्मीद है कि मेरी ये कावश मेरे दोस्तों को पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।